मेरे फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सामने। दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड एम एल परमार, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर का। तो देखिए क्वेश्चन परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देखिए दोस्तों, एक संख्या में एक संस्था में 40% कर्मचारी मैट्रिक्स पास है और शेष का 50% स्नातक है तथा इनमें से शेष 180 कर्मचारी स्नातकोत्तर है, तो कितने कर्मचारी स्नातक है? ये प्रश्न आप सब चले गया। देखिए कुल कर्मचारी अपने आप में होते हैं दोस्तों 100%, कितने होते हैं 100%, जिसमें 40% तो मैट्रिक पास है, तो बचे कितने दोस्तों 60% कर्मचारी स्नात, शेष कितने बचे दोस्तों 60% बचे। अब शेष का 50% का कम से 50% तो गुणा 50%, ठीक है, तो 100 इसके नीचे भी 100 आएगा। दो सिपर कट गई, ये सिपर से सिपर कट गई, 5 × 5 × 10 और 2 × 3 = 6, 2 × 2 यानी कि 3/10, ठीक है। अब 3/10 ये किसके बराबर दोस्तों? इनमें से शेष 180 कर्मचारी स्नातकोत्तर है, यानी कि 3/10 = 180 कर्मचारी, ठीक है, ये स्नातकोत्तर है। अब यहाँ से अपने x का मान निकालेंगे कि कुल कर्मचारी अपने पास आ जाएगा 180 गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली गुणा में, 3 × 3 = 18, 6 × 6 = 600 कर्मचारी, कुल कर्मचारी अपने पास कितने हो गए 600। फिर कह रहा है कि इसमें से स्नातक कितने, स्नातक निकालना है, तो देखिए 3/10 × 600/1, तो सिपर से सिपर कट गई, 6 × 18 = 180 कर्मचारी स्नातक, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छे आप समझ में आ गए। देखिए राम को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए दोस्तों 40%, और वह 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक कितना है? यह आपसे पूछा गया, चार ऑप्शन आप सामने, आपको आता है कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए राम को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए दोस्तों उसको 40% अंक उसको चाहिए, ठीक है। अब उसको कितने अंक मिले, 178 अंक मिले, ये तो उसको मिल गया। अब कहता है कि 22 अंकों से फेल हो गया। अब दोस्तों यदि 22 अंक और उसको अगर मिल जाते तो पास हो जाता, तो 22 और इसमें जोड़ दें कि 22 और जोड़ने से 40% के बराबर हो जाएगा, ये अंक किसके बराबर हो जाएगा 40% के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं 40% बराबर 8 × 10 किसी पर हंस लिया, 1 × 7 = 2 × 10 किसी पर हंस लिया, 1 × 40% बराबर 200। तो यहाँ पे 1% का मान निकालेंगे तो 40 से कट जाएगा, सीपर से सीपर कट गई, 4 × 4 = 20, 1% का मान कितना आ गया 5, तो 100% का मान कितना होगा दोस्तों 100% का मान होगा दोस्तों 5, ठीक है, 1% का मान 5 है, 100% का मान कितना होगा 500, तो कुल पूर्णांक हम कह सकते हैं कि पूर्णांक कितना है इसमें 500 है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए प्रतिशत वाले दो ही क्वेश्चन थे, तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।